अज भगवंत मान की ताजपोशी के लिए दिल्ली तो चंडीगढ़ पहुंचे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तो जो पत्रकारा ने सवाल किए तो बहुते सवालों के गोलमोल जवाब देंदे नजर आए मनीष सिसोदिया। जो इस मौके साडे पत्रकार ठाकुर अमनदीप सिंह ने SYL के मुद्दे से मनीष सिसोदिया ने पूछा कि आम आदमी पार्टी पंजाब के पक्ष में या फिर हरियाणा के, तो उन्होंने की कुछ कहा तुसी आप सुनो। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਿਆ ਕਾਰਨ ਰਹਾ ਖਾਸ? ਮੈਨੇ ਕਾਫੀ ਬੋਲਾ ਉਸਮੇ, ਵਹੀ ਚਲਾਈ ਅਭੀ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਾਰਨ ਰਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਥੀ ਜੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਥੀ। SYL ਪੇ ਸਰ ਕਿਆ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ? ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਾ ਅਭੀ ਸਰ, SYL ਪੇ ਕਿਆ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਕੇ ਕਸਟਮ SYL ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਾਫੀ ਬੋਲਾ ਆਪਕੋ, ਵਹੀ ਚਲਾਈਏ ਨਾ ਸਰ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਤਾਈਏ ਤੋ ਸਹੀ ਸਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜੋ ਬੋਲਾ ਸਰ, ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਸਰ, ਬਤਾਈਏ ਤੋ ਸਹੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ SYL ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਿ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਹੀ SYL ਦੀ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਠਾਕੁਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਬੌਖਲਾਏ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੋ। लगातार केंद्र की सरकार पे ये कहा गया भी देशभक्ति का सर्टिफिकेट मोदी जी नहीं देंगे। अब आप कह रहे हैं जो आम आदमी पार्टी को छोड़ रहे हैं उनको सत्ता का लालच था, कुर्सी का लालच था, मतलब पंजाब भक्ति का जो सर्टिफिकेट है वो आम आदमी पार्टी की पंजाबी का ही देगी या केजरीवाल जी देंगे? फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स ये हैं कि कल तक अरविंद केजरीवाल जी और इन लोगों ने, जितने यहाँ लोग बैठे हैं, इन्होंने किसी को पद पे बनाया तब तक ये बहुत अच्छे लोग थे। जैसे ही कहा भाई पद से हट जाओ, ये लोग खराब हो गए। तो पद पे खुश और नाराज होने वाले लोगों के बारे में तो सामान्य डेफिनेशन बनेगी। थोड़ा और भी लोगों से बात करना। एक्सक्यूज मी, यू आर नॉट ओनली जर्नलिस्ट हियर, देयर आर सो मेनी पीपल, प्लीज। बट यू कांट हाईजैक द प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइक दिस, लेट अदर्स आल्सो टॉक। तो आप थोड़ा सा स्पेस दीजिए अपने कलीग्स को भी। पंजाब के पानियों बारे पंजाब की कोर कमेटी तय करेगी। देखो जी, पंजाब के पानियों का मामला जो सुप्रीम कोर्ट चल रहा है। लगातार केंद्र की सरकार पे ये कहा गया भी देशभक्ति का सर्टिफिकेट मोदी जी नहीं देंगे। अब आप कह रहे हैं जो आम आदमी पार्टी को छोड़ रहे हैं उनको सत्ता का लालच था, कुर्सी का लालच था, मतलब पंजाब भक्ति का जो सर्टिफिकेट है वो आम आदमी पार्टी की पंजाबी का ही देगी या केजरीवाल जी देंगे? फैक्ट्स हैं, फैक्ट ये हैं कि कल तक अरविंद केजरीवाल जी और इन लोगों ने, जितने यहाँ लोग बैठे हैं, इन्होंने किसी को पद पे बनाया तब तक ये बहुत अच्छे लोग थे। जैसे ही कहा भाई पद से हट जाओ, ये लोग खराब हो गए। तो पद पे खुश और नाराज होने वाले लोगों के बारे में तो सामान्य डेफिनेशन बनेगी। थोड़ा और भी लोगों से बात करना। एक्सक्यूज मी, यू आर नॉट ओनली जर्नलिस्ट हियर, देयर आर सो मेनी पीपल, प्लीज। बट यू कांट हाईजैक द प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइक दिस, लेट अदर्स आल्सो टॉक। तो आप थोड़ा सा स्पेस दीजिए अपने कलीग्स को भी। पंजाब के पानियों बारे पंजाब की कोर कमेटी तय करेगी। देखो जी, पंजाब के पानियों का मामला जो सुप्रीम कोर्ट चल रहा है। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਠਾਕੁਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੌਖਲਾਏ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ CM ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਖੌਟੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਖੌਟੇ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਠਾਕੁਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਾਓ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਿਰਾਮਿਡ E-Service ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਕਰੋ 93978 93978।